नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम आपको इग्नू और यूजीसी से जुड़े फ्रेंड्स जो आज कंट्रोवर्सीज चल रही है कुछ दिनों से, उस कंट्रोवर्सीज पे हम आपको एक वीडियो लेके आए हैं जिसमें आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कंट्रोवर्सीज थी क्या और फाइनली रिजल्ट क्या आया। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि इग्नू ने कहा है, यानी कि उसने दावा किया कि हमारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट समेत सभी कोर्स वैध है। यानी इग्नू ने कहा है कि हमारे डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स वैलिड हैं, कोई भी इनवैलिड नहीं है, आप ये जान लीजिए। तो देखिए, कंट्रोवर्सी क्या हुई थी, यूजीसी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे जो यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट होती हैं कोर्सेज के, वो अपडेट जब किया तो यूजीसी ने इग्नू के 42 कोर्स को वहाँ पे शो किया, लिस्ट दिया, और इग्नू के 50 कोर्सेज जो बेसिकली रन करते थे वो 50 थे। तो पता चला स्टूडेंट को कि 42 कोर्सेज ही वहाँ पे वैलिड दिए गए जिसमें 50 कोर्सेज में से। तो यहाँ पे आपके और भी जो कोर्सेज बचे, यानी कि आपके 8 कोर्सेज जो बचे यहाँ पे, उनको इनवैलिड कर दिया गया। तो क्या हुआ, बहुत सारे स्टूडेंट इनसे चिंतित हो गए कि क्या हम जो कोर्सेज कर चुके हैं वो भी इनवैलिड हो गए, या जिस लोगों ने अभी एडमिशन लिया है और वो प्रोसेस में है, स्टडी कर रहे हैं, उनको भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुआ कि उनको लगा कि हमारे कोर्स अब क्या होंगे, वैलिड हैं या इनवैलिड हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अभी यूनिवर्सिटी ने दावा किया है कि हमारे सभी कोर्स वैलिड हैं, लेकिन देखिए यूजीसी ने भी ये कहा है कि हम किसी के कोर्सेज को रोक नहीं रहे हैं। ओनली उन्होंने कहा था कि एक प्रोसेस होता है यूनिवर्सिटी के कोर्सेज का, जैसे कि उन कोर्सेज का वैलिडिटी जब ख़त्म हो जाता है तो यूनिवर्सिटी फिर से अप्लाई करती है कोर्सेज के लिए, और फिर उनको टाइम ड्यूरेशन बढ़ा दिया जाता है जितने ईयर के लिए होता होगा। लेकिन और कोर्सेज के लिए जो कोर्स थे उनके लिए इग्नू ने अप्लाई किया या उनका वैलिडिटी ख़त्म ही नहीं हुआ था। तो जब यूनिवर्सिटी ने अपना, यानी यूजीसी ने अपना अपडेट किया वेबसाइट पे कोर्सेज इग्नू के, तो वहाँ पे उन्होंने 42 ही अपलोड किया और उन्होंने शो किया, यानी कि जो आपके 8 जो बच गए उसके लिए आपका इग्नू अप्लाई ही नहीं किया। तो देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूजीसी ने कहा है कि बिल्कुल उनको और भी टाइम दिया जाएगा, और जब इग्नू अपना प्रोसेस भेजता है, अप्लाई करता है उन कोर्सेज को, तो फिर हम उस पर जो रिज्यूम्ड है उनकी कोर्स, उसको हम ओके कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, सिर्फ एक छोटी सी माइनर जो एक बोला जाए तो प्रोसेस है, यानी कि इग्नू की तरफ से एक कर्तव्य निभाना चाहिए, वो उन्होंने नहीं निभाया जिससे कि एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। तो देखिए, यूजीसी की सूची के बताया गया कि सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा कोर्स नहीं होने के बाद इग्नू ने जो है सभी कोर्स के वैध होने का दावा किया है, और इग्नू के रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर गुलाब झा के अनुसार इग्नू के डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट सहित सभी कोर्स वैध हैं। गौरतलब है कि यूजीसी ने कुछ दिनों पहले दूरस्थ शिक्षा संस्थानों और वहां संचालित कोर्स की सूची जारी की थी। इन लिस्ट में इग्नू के मात्र 42 कोर्स थे, जबकि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स छोड़कर लगभग 50 नियमित कोर्स संचालित करता है। यूजीसी की इस लिस्ट में इग्नू समेत विभिन्न लिस्ट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट के बीच की उपस्थित, यानी कि एक कंट्रोवर्सी की स्थिति उत्पन्न हो गई है। और देखिए आगे जो न्यूज है कि यूजीसी के 9 अगस्त के निर्देश के अनुसार यदि कोई दूरस्थ शिक्षा संस्थान अखिल भारतीय तकनीकी परिषद या कोर्स से संबद्ध मान्यता देने वाले संस्थान की स्वीकृति के बिना कोर्स संचालन कर रहा है तो वह कोर्स मान्य नहीं होगा। देखिए, ये यूजीसी ने कहा था। और फिर आगे देखिए, यूजीसी ने इसके लिए दूरस्थ शिक्षा देने वाली संस्थाओं और वहां संचालित कोर्स की सूची भी जारी की है। उसमें इग्नू द्वारा संचालित एमसीए
बीएड सहित अन्य लोकप्रिय कोर्स नहीं है। इग्नू के प्रोफेसर कपिल कुमार ने यूजीसी पर सवाल उठाया। उनका कहना है कि एमसीए 1990 यानी 1990 में इग्नू में संचालित है, इतने पुराने समय से। और बीएससी नर्सिंग एक प्रमुख कोर्स है, इसमें बड़ी संख्या में दाखिला होता है, यह 1994 से संचालित है। बैचलर ऑफ टूरिज्म 1994 से संचालित है, वहाँ से पढ़कर निकले छात्र बेहतर जगह पे आज पोस्टेड हैं, और यूजीसी का यह निर्णय ठीक नहीं है। और यहाँ इग्नू के कुलपति जो नागेश्वर राव ने बताया कि हम सभी कोर्स संबंधित नियामक निकाय द्वारा मान्यता प्राप्त और संबंधित दस्तावेजों को यूजीसी को विचारार्थ जमा कर दिया गया है। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किए गए सभी प्रमाण पत्र और डिप्लोमा कार्यक्रम वैध हैं और इन्हें आगे भी उपलब्ध कराया जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, उन्होंने कहा है कि जो प्रोसेस था, जो मतलब वो छूट गए थे कोर्स के लिए, उन्होंने अप्लाई जो करना था उन्होंने अप्लाई कर दिया है, यूजीसी को वो दस्तावेज उन्होंने भेज दिया है और यूजीसी अभी विचार कर रही है, यूजीसी अपना लिस्ट जारी कर देगी, फिर क्या होगा, वो कोर्स जो रिज्यूम्ड हो गए थे वो आगे ओपन कर दिए जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, देखिए ये मेन सूचना थी। तो समझ रहे हैं, इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठित संस्थान है इंडिया के लिए, और इंडिया क्या ये वर्ल्ड के लिए बहुत प्रतिष्ठित संस्थान है, और यहाँ ऐसे कंट्रोवर्सी थोड़ा आ जाते हैं तो डर हो जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो नहीं पाएगा कि आपके कोर्सेज वैलिड या इनवैलिड के स्तर पे यहाँ पे खड़े कर दिए जाएं। ये थोड़ी सी एक छोटी सी मसला यहाँ सामने आया, लेकिन गंभीर स्थिति हो गई, क्योंकि फ्रेंड्स जायज़ भी है, आप लोग किसी अगर संस्था से जुड़े हैं और उस पर कोई आवाज़ उठा रहा है या कोई उस पर न्यूज़ आ रहा है तो बिल्कुल आपको थोड़ा सा अंदर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, मानसिक स्तर पे थोड़ा सा टेंशन हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोग एक नंबर टेंशन फ्री हो जाइए कि कोई ऐसी चीज़ें नहीं हैं, और इग्नू और यूजीसी अपने इस चीज़ों को बहुत जल्दी सॉल्व कर लेंगे और आपके नियमित रूप से आपके कोर्सेज चलते रहेंगे। चलिए फ्रेंड्स, जब तक कि नेक्स्ट वीडियो हम अपलोड नहीं करते हैं, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशनल चैनल, और आपका दिन शुभ हो।